Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi vyas In today's video, I'm going to discuss the meaning and applications of normal probability curve, also known as NPC. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. So, this is your important topic of MES014. Uh, here we are going to discuss its characteristics, then range, then formula of NPC and applications of NPC. Alright, so let's start. NPC is also called as Gaussian curve or probability curve or curve of error. राइट right, कि आपको तीन नाम से पूछा जा सकता है अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गौशियन कर्व के बारे में या एन के बारे में या कर्व ऑफ एरर तो उन तीनों की चीज़ क्या है वो सेम ही चीज़ है ठीक है कि ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है सिर्फ नेम डिफरेंट हैं तो आपको इनके नेम पता होने चाहिए क्योंकि कभी भी हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमें उस चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कई बार क्या होता है कि हमें आंसर तो पता होता है लेकिन क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पता होता है तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है आपको आ, कोई भी क्वेश्चन आता है नॉट इन केस ऑफ एन बट किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके आपको अदर नेम्स के बारे में पता होना चाहिए तो एनपीसी क्या है एक वेल शेप्ड कर्व है ठीक है वेल शेप्ड यानी कि एक घंटी की तरह एक कर्व होगी और वो पर्टिकुलर डाटा को शो करेगी ठीक है ऑफ द प्रोबेबिलिटी ओवर द वैल्यूज ऑफ रेंडम वेरिएबल्स की बहुत सारी हमारे पास वैल्यू हैं तो उनमें से जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा हिट कर रही है उसको वो शो करेगी पर किस तरह से एक बेल शेप्ड में ठीक है घंटी की शेप में इट हैल्पस इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ स्कोर्स इंटू स्टैंडर्ड स्कोरस कि पहले हमारे पास क्या था बहुत सारे स्कोर्स थे ठीक है वो रॉ वे में थे बट अब क्या है उनका एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है ठीक है एन पी सी क्या करती है एक उन्हें स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज कर देती है और एन को बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग और राइट तो ये जो है वो मैंने एक शेप बनाई हुई है ठीक है कर्व है हमारे पास जिसे हम एन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कैसी कर्व है वेल शेप्ड कर्व है ठीक है और ये क्या है इसका जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो है जहाँ पे मीन मोड मीडियम तीनों ही इक्वलेंट होंगे ठीक है और ये माइनस थ्री सिग्मा से प्लस के थ्री तक रहेगी ठीक है इसकी रेंज है ठीक है सो इफ वी टॉक अबाउट द करैक्टिस्टिक्स तो करेक्टिक्स क्या हैं uh, जब आपने कर्व पढ़ ली उसके बारे में जान लिया कि वो गोशिन कर्व है प्रोबेबिलिटी कर्व है बेल शेप्ड होगी और हमारे पास क्या करेगी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शो करेगी ट्रांसफॉर्म कर देगी तो करेक्टरिस्टिक्स में आएगा मीन मोड मीडियन इक्वल रहेंगे शेप जो है वो बेल शेप्ड रहेगी और सिमेट्रिकल है ठीक है ऐसा नहीं है कि इस साइड से ये बहुत ज़्यादा लंबी है इस साइड से छोटी है सिमिट्री है इस कर्व में ठीक है कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअसली है ठीक है और ए सिंपॉल्टिक है ठीक है देन रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है एनपीसी मैंने अभी बताया आपको जब कब बताई कि माइनस थ्री टू प्लस थ्री तो लिटरली अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ये जो एनपीसी में नॉर्मल है इस वर्ल्ड वर्ड का मतलब है एवरेज ठीक है कि एवरेज प्रोबेबिलिटी कर्व हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है जितने भी हमारे पास रेंडम वेरिएबल्स हैं या रोस गॉस हैं उनके स्टैंडर्ड स्कोज में हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो वो क्या है नॉर्मल ठीक है तो इसीलिए इसको नॉर्मल प्रॉबलिटी कर्व बोला जाता है उसके बाद हमने बात की इसको गॉश कर्व बोला जाता है तो इसलिए क्योंकि इसको लेप्लेस और गॉस ने ड्राइव किया था ठीक है और जब हम इस जब भी हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डाटा की ग्राफ पेपर पर ठीक है तो हमारे पास एक टिपिकल या फिर एक टाइपिकल कर्व आएगी जो कि किसकी तरह दिखेगी बेल की तरह दिखेगी ठीक है और उसी बेल की तरह उस दिखने वाली कर्व को या उसी बेल शेप्ड को हम क्या बोलेंगे एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ठीक है कि जब भी हम डाटा का कर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ग्राफ पेपर पे तो हमारे पास एक कर्व आएगी जो कि बेल की तरह दिखेगी और उसे हम बोलेंगे एन पी सी अब अगर मैं बात करूं फार्मूला ऑफ एन तो हमारे पास यहाँ पे क्या है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस न्यू अपॉन सिगमा ठीक है तो सिग्मा इज एस डी एंड न्यू इज मीन एंड एक्स इज को ठीक है कि कभी कभी भी हमने आ, इसके बेसिस पे वैसे नुमैरिकल आप देखेंगे तो बहुत कम आते हैं पर नुमेरिकल अगर आए तो फार्मूला ये यूज करना है मैं इस वीडियो में आपको एक नमेरिकल के थ्रू भी समझाऊंगी क्योंकि मीनिंग करेक्टिस्टिक्स रेंज फार्मूला हमने ये सब पढ़ लिया अब बात करते हैं एप्लीकेशन की तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज कन्वर्टिंग रॉ स्कोर इनटू स्टैंडर्डाइज नॉर्मल स्कोर ये बात तो हमने की कि डाटा को हमारे पास स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाटा में कन्वर्ट करता है कि मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी है जिसमें हमारे पास मीन की वैल्यू दी है एस डी की वैल्यू दी है ठीक है तो उसके बाद हमें क्या करना है इस स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे नाउ एक्स यहां पर क्या है हमारे पास एक्स है हमारे पास रो स्कोर ठीक है ये दिस इज योर स्कोर रो स्कोर तो रो स्कोर माइनस मीन अपऑन एस डी ठीक है तो ये आपके पास फॉर्मूला आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी तो माइनस टू पॉइंट फाइव जो है हमारे पास यहां जैसे वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री के आगे जैसे यहाँ पर माइनस टू पॉइंट फाइव की वैल्यू आ जाएगी एन पी सी में और हम इस रो डाटा को स्टैंडर्ड डाटा में कन्वर्ट कर देंगे द सेकेंड थिंग इज कम्पेयरिंग द अचीवमेंट अब जब हमने रोड डाटा को कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड में तो हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टार्ट कर रहा है ठीक है एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज टू डिटर्माइन द रिलेटिव डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द टेस्ट आइटम हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि कहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है वैल्यूज़ की टेस्ट आइटम्स में और राइट तो दिस इज ऑल अबाउट योर एन पी सी आई होप यू ऑल अंडर स्टैंडर्ड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेक नेक्टेट